भाजपा महिला मोर्चा व ओबीसी मोर्चा द्वारा 23 जून से 6 जुलाई तक भाजपा द्वारा मंडल स्तर तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा जिला मंत्री अनीता चौहान, महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉ. राधा रामावत की अगुवाई में महिला मोर्चा बाड़मेर द्वारा 150 पौधे राय कॉलोनी, सरदारपुरा, पांचबत्ती, तनसिंह सर्किल, मातृशक्ति को पौधे वितरित किए गए। साथ ही पौधे को सुरक्षित और जीवित रखने के साथ ही पर्यावरण के प्रति सजगता और जिम्मेदारी का स्मरण कराते हुए पौधे के महत्व की जानकारी देने के साथ ही गिलोय के पौधे वितरित किए गए। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश के आह्वान पर पौधे वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉ. राधा रामावत, भाजपा जिला मंत्री अनीता चौहान, कार्यक्रम सह संयोजक धनराज व्यास के नेतृत्व में 150 पौधे राय कॉलोनी, सरदारपुरा, पांचबत्ती, तनसिंह सर्किल पर मातृशक्ति को दिए गए। साथ ही पौधे को सुरक्षित और जीवित रखने के साथ पर्यावरण के प्रति सजगता और जिम्मेदारी का स्मरण कराते हुए पौधे के महत्व की जानकारी दी गई। इसके साथ ही गिलोय के पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर अनीता चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम में मातृशक्ति पूर्ण मनोयोग के साथ पौधे को लेते हुए संकल्प ले रही है कि इस पौधे को जीवित रखते हुए इसकी उपयोगिता को समझते हुए हम इसका संरक्षण करेंगे। मानव जीवन के लिए औषधीय पौधे का जितना महत्व, कोरोना संकट काल में ये कार्यक्रम 6 जुलाई तक चलेगा। डॉक्टर राधा रामावत ने सभी मातृशक्ति को पौधे की सुरक्षा हेतु पालक बनाते हुए उसकी देखभाल करने पर सही तरीके से इसके पनपने की बात कही। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री अनीता चौहान, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर राधा रामावत, सह संयोजक धनराज व्यास, ओबीसी मोर्चा नगर अध्यक्ष खीम सिंह चौहान, अनीता रामावत, मधु परिहार, वृक्षारोपण कार्यक्रम संयोजक महिला मोर्चा मधु चारण, प्रेमलता सुखानी, राजेंद्र वडेरा, स्वरूप दतार सिंह, हरी देवी, पुष्पा देवी, मंजू देवी, कणी देवी, रजनी, डाई देवी, गीता देवी, ममता, तुलसी के साथ कई मातृशक्ति उपस्थित रही।